निरहुआ रिक्शा वाला, इसी नाम से भोजपुरी के सुपरस्टार बिहार में फेमस है। इस नाम से इतनी अधिक फिल्में बन गई हैं कि सही में लोग इनका असली नाम भी भूल गए होंगे, संभव है। इस रिपोर्ट को सुनकर आप भी याद करने लगे होंगे इस भोजपुरिया स्टार का असली नाम। नहीं याद है तो चलिए बता देते हैं, इनका असली नाम है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। भोजपुरी सिनेमा के सुपर डुपर एक्टर दिनेश लाल यादव अब पॉलिटिक्स की दुनिया में भी हिट हो गए। अब ये बीजेपी से सांसद बन गए हैं, उस सीट से जीते हैं जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन आज निरहुआ की सफलता की गूंज भोजपुरी सिनेमा से लेकर दिल्ली की सियासत में पहुंच गई है। इन्होंने यूपी के आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर अखिलेश यादव के सपा उम्मीदवार को जबरदस्त पटखनी दी। इसके साथ एक बार निरहुआ रिक्शा वाला वायरल हो रहा है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको भोजपुरिया एक्टर से MP बने दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ रिक्शा वाला की 5 प्रमुख बातें बताएंगे। गाँव की आवाज जाकर दिल्ली में उठाएंगे, केहू जॉन किया ना ही वो करके दिखाए। लगभग 2 दशक पहले यह भोजपुरी गाना काफी हिट हुआ था, उस समय सीडी कैसेट का जमाना था, तब यह सीडी कैसेट का बाजार नया नया धूम मचा रहा था। और इस गाने में एक्टिंग करने वाले हीरो के रूप में एक दुबला पतला सा लड़का एक्टिंग करता नजर आ रहा था। वही लड़का एक दिन भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बन गया। यह कोई और नहीं बल्कि दिनेश लाल यादव निरहुआ थे। अब तो ये पॉलिटिक्स में भी हिट हो गए। इन्होंने आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को पटखनी दे दी। हालांकि 2019 के चुनाव में इसी सीट से अखिलेश यादव जीतकर सांसद बने थे, और हैरान करने वाले कोई और नहीं बल्कि निरहुआ ही थे। ये काफी बड़े अंतर से हार गए थे। तब इन्होंने सोचा भी नहीं था कि महज 3 साल के बाद वे इसी सीट से जीत का स्वाद चखेंगे, और यह सब सीट से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से संभव हुआ। वे अब यूपी में नेता प्रतिपक्ष बन गए। लोकसभा सीट खाली हुई तो यहाँ उपचुनाव हुआ और निरहुआ सांसद बन गए, और इस तरह अब उनका दिल्ली में आवाज उठाने वाला गाना सही साबित होगा। जीत के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की आवाज वे दिल्ली में उठाएंगे। निरहुआ रिक्शा वाला दरअसल यह फिल्म का नाम है। इस फिल्म ने सफलता के परचम लहराए थे। जब फिल्म हिट हुई तो इसके हीरो दिनेश लाल यादव भी हिट हो गए। यह उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद तो दिनेश लाल यादव के नाम में निरहुआ भी टैग हो गया। फिल्म हिट होते ही उनकी सफलता की गूंज पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में सुनाई पड़ने लगी। इसके बाद तो निरहुआ शब्द वाले फिल्मों की लाइन लग गई। बाद में इस हिट को भुनाते हुए दिनेश लाल यादव ने आगे अपने कई गानों में भी निरहुआ नाम का इस्तेमाल किया। बाद में जब गायकी से भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो वहां भी यही नाम बनाया। वो दौर था जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मनोज तिवारी रवि किशन जैसे दिग्गज कलाकारों का बोलबाला था। इसी दौर में निरहुआ ने भोजपुरी फिल्म की दुनिया में कदम रखा था और पहली फिल्म रिलीज हुई निरहुआ रिक्शा वाला। यह तो आपको पता ही है कि मनोज तिवारी और रवि किशन भी सांसद बन गए। मनोज तिवारी 2014 से सांसद हैं तो रवि किशन 2019 में सांसद बने। अब तो तीसरा भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव भी सांसद बन गए हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव ने राजनीतिक पारी का नया अध्याय भले शुरू किया। अखिलेश यादव की पार्टी सपा को पटखनी देकर आज यूपी बिहार से लेकर दिल्ली की सियासत में वे छा गए, लेकिन निरहुआ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में निरहुआ का रुतबा सुपरस्टार का है। यूपी बिहार और झारखंड में आज शायद ही कोई हो जो निरहुआ को ना जानता हो। लेकिन यह आपको बता दें कि निरहुआ का जीवन संघर्ष से भरा रहा है और इनका बचपन काफी गरीबी में बीता है। दरअसल इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ काफी स्ट्रगल से भरी रही है। बेहद साधारण परिवार से आने वाले निरहुआ के पिता कोलकाता में 3500 रुपए मंथली की जॉब करते थे। इसी में सभी 7 लोगों का जीवन चलता था। निरहुआ 5 भाई बहन है। गरीबी इतनी कि घर में एक साइकिल तक नहीं थी, पैदल ही सफर करते थे। लेकिन आज दिनेश लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के दिग्गज एक्टर के रूप में गिने जाते हैं और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले भोजपुरी कलाकारों में से एक है। दिनेश लाल यादव का निरहुआ नाम के साथ गहरा रिश्ता है। आइए बताते हैं कि आखिर निरहुआ इनका टैगलाइन क्यों हो गया। दरअसल ये पहले गायकी में थे, गांवों में गाना गाते थे। गला अच्छा होने की वजह से ये धीरे धीरे छा गए।
इनका एक एल्बम हिट होने लगा। इनका पहला एल्बम जो आया था उसका नाम था निरहुआ सटल रहे। इस एल्बम में दिनेश लाल यादव के कैरेक्टर का नाम था निरहु। गांव में बदलते समाज की परिस्थितियों को दिखाते हुए यह एल्बम जबरदस्त ढंग से हिट हुआ। रातों रात दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम से सिंगिंग स्टार हो गए। यह गाना बस टेम्पो से लेकर ट्रैक्टर तक में बजने लगा था। इसके बाद तो निरहुआ शब्द इनकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया। फिर कई फिल्मों के शीर्षक इसी नाम से रखे जाने लगे। पहली फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला के बाद निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ चला लंदन आदि फिल्मों की लाइन लग गई, यानी कि निरहुआ की सीरीज ही हो गई। इनके फॉलोवर्स इनका असली नाम भूलने लगे। आज जब ये आजमगढ़ से सांसद बने तो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक यही खबर आई कि निरहुआ अब सांसद बन गया। निरहुआ जीत गया, लेकिन यह कोई नहीं कह रहा था कि दिनेश लाल यादव जीत गए। अब निरहुआ चला दिल्ली। जी हाँ, अब निरहुआ सही में दिल्ली चला। दरअसल आजमगढ़ में जीत के साथ ही उन्होंने दिल्ली की सियासत में एंट्री ले ली है। थोड़ा 2019 के फ्लैशबैक में चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। यूपी के पूर्व सीएम के सामने चुनावी मैदान में उतरना निरहुआ के लिए खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जमकर प्रचार किया। हालांकि रिजल्ट इनके फेवर में नहीं रहा। 2019 का परिणाम इनके लिए पूरे तौर से गुजरने वाला रहा। इन्हें अखिलेश यादव ने वोटों के भारी अंतर से हराया। ये हारने के बाद भी आजमगढ़ के लोगों के कनेक्ट में रहे। हार के बाद भी इनका आजमगढ़ आना जाना लगा रहा। और कहा जाता है ना कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटता है, ऐसी ही कहावत आजमगढ़ में भी लागू हो गई। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने पहुंच गए, जीते तो विपक्ष के नेता बन गए। इसके बाद आजमगढ़ की खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुआ। पब्लिक से लगातार कनेक्ट में रहे तो निरहुआ को लोकसभा मिल गया। बिहार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई नेता उनके प्रचार में पहुंचे, इसका भी लाभ मिला। इस तरह सपा के गढ़ को निरहुआ ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। निरहुआ की किस्मत ने करवट ली और अब उपचुनाव के नतीजे के साथ ये साबित हो गया कि निरहुआ चला दिल्ली। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।